पाकिस्तान के हवाले से नौशहरा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसकी मेहमानी खुसूसी मेंबर सूबाई असेंबली सोमी फलक न्याज थी। तकरीब में तलबा ने नज्म और तकारीर के जरिए शहदाए पाकिस्तान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात असद मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी योम दिफा पाकिस्तान इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। योम दिफा पाकिस्तान और योम शहदाए पाकिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पबी में खुसूसी तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर सूबाई असम्बली सोमी पलक न्याज थी। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर सूबाई असम्बली सोमी पलक न्याज ने कहा कि मुख्तलिफ मौकों पर जाम शहादत नोश करने वाले शहदा हमारे मुहसिन हैं, हमारी तहरीक का सुनहरा बाप उनसे मजीन है। उन्होंने कहा के किसी लम्हे भी हमें उनको परामोश नहीं करना चाहिए। उनकी जान की कुर्बानियों की वजह से आज हम इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं। एक शहदा का मिशन की खातिर हम अपना तन मन मुल्क की हिफाजत के लिए कुर्बान करें। उस वतन से मोहब्बत का एक इश्तेहारा है कि हम पूरी संजीदगी के साथ एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर मेंबर सूबाई असम्बली सोमी पलक न्याज काल स्टाफ के हमरा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद तालिब इलम अली अब्बास शहीद के घर गए। वहाँ शहीद तालिब इलम के कबर पर फूलों की चादर चढ़ाई और पातिखा अख्वानी की। कैमरा टीम के साथ असद मोहम्मद, सच न्यूज़, नौशेरा।